कोई आवरण इसे घेरे नहीं रहता है, क्योंकि अन्य कोई आवरण इसे घेरे नहीं रहता है। अतः केंद्रक नाम की कोई विकसित कोशिकाएं इसमें नहीं होती। अतः केंद्रक नाम की कोई विकसित कोशिकांग इसमें नहीं होती। जीवाणु एवं नीरहित शैवालों में ऐसी कोशिकाएं मिलती है। जीवाणु एवं नीरहित शैवालों में कोशिकाएं दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। प्रोकैरियोट में मैटिन नहीं पाया जाता है, इसमें क्रोमैटिन नहीं होता है, और क्रोमैटिन नहीं होता है इसमें। डीएनए कसूर गुणसूत्र के रूप में पड़ा होता है। इसमें केंद्रक में कोशिकांग नहीं होते हैं। ऐसी कोशिकाएं नीलहरित शैवालों जीवाणु से। अतः केंद्रक नाम की कोई विशिष्ट कोशिकांग इसमें नहीं होती हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाएं, इन कोशिकाओं में दुहरी झिल्ली के आवरण केंद्रक आवरण से घिरा स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। इन कोशिकाओं में दोहरी झिल्ली से घिरा एक दोहरी झिल्ली के आवरण केंद्रक आवरण से घिरा सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, जिनमें डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन के संयुक्त होने से बनी क्रोमैटिन तथा इसके अलावा केंद्रिका होता है। इन कोशिकाओं में दोहरी झिल्ली के आवरण केंद्रक आवरण में घिरा सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, इसमें डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन के संयुक्त होने से बनी क्रोमैटिन तथा इसके अलावा केंद्रिका होती है। नहीं डोल, गंदा पानी मत पिलाओ डोल उसको, अपने हाथ से पी रहा तो क्या कर रहे हैं, लेकिन तुम मत पिलाओ। लड्डू सिट हो जाओ, बैठ जाओ नीचे, बैठ जाओ, सिट डाउन। प्रिंसेस फेस दिखाओ जरा। इन कोशिकाओं में दोहरी झिल्ली के आवरण केंद्रक आवरण से घिरा सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, जिसमें डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन के संयुक्त होने से क्रोमैटिन तथा इसके अलावा केंद्रिका होते हैं। इन कोशिकाओं में दोहरी झिल्ली के आवरण केंद्रक आवरण से घिरा